तो दोस्तों थोड़ी बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर्स लिमिटेड के बारे में। इसका अभी करंट प्राइस जो है ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 15 रुपये 95 पैसा, 15 रुपीज़ 95 पैसा अभी बजाज हिंदुस्तान शुगर्स का करंट प्राइस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो पिछले 4 से 5 दिनों से प्राइस जो है इसका जो रेजिस्टेंस देखा जाए 16 रुपये 70 पैसे के नीचे ही देखने को मिल रहा है। 16 रुपये 70 पैसे का इसने रेजिस्टेंस बनाया, वहाँ से प्राइस अभी 4 to 5 डेज से इसके नीचे देखने को मिल रहा है और इसको अभी ब्रेकआउट नहीं कर पाया है, या फिर इसके ब्रेकआउट करने के पास अभी प्राइस गया नहीं है। इस जोन को इसने ब्रेकआउट किया और अभी जिसका हाई लगाया ना इसने प्राइस, तो इस रेजिस्टेंस के नीचे है। तो इन केस अगर जो है ना 16 रुपये 70 पैसे के पास बजाज हिंदुस्तान जाता है और इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट यहाँ पर करता है और इसको रिटेस्ट करता है, देन यहाँ से जो प्राइस है ना ऊपर जाने की ज्यादा चांस होगा और ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा कि प्राइस ऊपर जा रहा है। अदरवाइज अगर प्राइस जो है इस रेजिस्टेंस जोन के नीचे है, आपको एक कंसोलिडेशन फेस बनाता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये इतना बड़ा जोन जो था ऑलमोस्ट अगर देखा जाए ना तो 9 मार्च 2023 से ही एक जोन रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था जिसको फाइनली इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया था। तो ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ऊपर गया था और 16 रुपये 70 पैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया और अभी प्राइस जो है इस एक जोन में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है आपको। काफी स्टॉक्स में देखने को मिलता है कि जब भी ब्रेकआउट होता है ना तो कई मरतबा वो रिटेस्ट करने के लिए भी प्राइस आता है, एक जोन बनाता है, देन उस जोन को ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस अच्छा खासा ऊपर जाता हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी वही सीन देखने को मिल रही है, ब्रेकआउट हो चुका है, अभी ब्रेकआउट के बाद प्राइस अगेन से रिटेस्ट करने के लिए उसी सपोर्ट जोन पर आ रहा है और एक कंसोलिडेशन प्राइस यहाँ पर बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है ना आप पेशेंस रखिए बजाज हिंदुस्तान में, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो ये तो गलत होगा, क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है ना तो यहाँ पर प्राइस के ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे।